सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि दोस्तों झारखंड टीचर की है। जी हाँ दोस्तों, 10+2 के लिए जो सो टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। इसका पोस्ट का नाम दोस्तों PRT एंड TGT रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से जो वैकेंसी आई हुई है, पोस्ट का नाम PRT एंड TGT है, ठीक है। चल, इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, कौन कौन सा कैंडिडेट इसका आवेदन कर सकते हैं, कैसे उसका आवेदन करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितना रहने वाला दोस्तों, एज लिमिट क्या है, हम लोग पूरा जानकारी देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसमें आवेदन करना तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का बात करें तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट टोटल जो है दोस्तों 6500 पोस्ट निकाली गई है, तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे इसको आवेदन करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो कंडक्टिंग जो कराएगा, ठीक है, वो JSSC है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट कोई भी झारखंड में गवर्नमेंट वैकेंसी आई तो JSSC की तरफ से ही आती है। अगर बात करें पोस्ट किस नेम से, तो देखिए प्राइमरी एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सो वैकेंसी निकाली है। टोटल पोस्ट 6500 रहने वाला दोस्तों। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कैटेगरी आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें डेट जो सो अभी तक नहीं आया, लेकिन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सो पूरा इसका नोटिफिकेशन जो सो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, देखिए तो PRT का जो आया हुआ है, ठीक है, PRT में, तो देखिए 10+2 का कैंडिडेट विथ 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा अगर आपने किया तो जो इसको आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर देखिए आपने ग्रेजुएशन किया तो भी जो इसको आवेदन कर सकते हैं 50% मार्क के साथ। अब चलिए और भी देखते हैं TGT कैंडिडेट के लिए। देखिए यहाँ BEd वगैरह जो भी कैंडिडेट किए हैं उनके लिए सो दोस्तों आवेदन किया जा सकता है, या फिर देखिए यहाँ पे एक और है, 10+2 पास आउट रहना चाहिए, BSc या फिर BEd आपने किया है 4 साल का, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और भी डिटेल हम इसमें देखते हैं। एज लिमिट अगर आपका जो 18 से 42 साल का कैंडिडेट जो भी है वो आवेदन इसको कर सकता है। एज लक्सेशन भी आपको इसमें मिलेगा OBC और ST SC कैंडिडेट को। यहाँ पे दोस्तों अप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखा गया है। देखिए SC और ST PWD कैंडिडेट के लिए या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपया और ऑल कैंडिडेट अदर कैंडिडेट के लिए 450 रुपया सो रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको जो सो दोस्तों 9300 से लेकर के 34800 तक जो सो मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम आपका होगा, देन आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करेंगे उनका मेरिट लिस्ट, देन आपका सो इंटरव्यू, उसके बाद उसको आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये था दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको पूरा इसका डिटेल चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे और कैसे इसको आवेदन करना उसका वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। तो अगर आप चाहते पूरा डिटेल देखना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।